अभी मेरा पार्सल जो है, एक और अनदर पार्सल मुझे रिसीव हो गया। तो मैं इसे ओपन करके बताती हूँ कि ये कैसा स्टफ आया। वैसे तो अच्छे आएगा और मैं घर जाके इसका रिव्यू आपको बताऊंगी। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ। सो हाय, सॉरी मैं इतना ज़्यादा, और हाँ थोड़ी सी क्वालिटी बेकार मिलेगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ एंड रिंग लाइट सामने लगी है इसलिए मेरे चश्मे में दिख रही है। सो मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, मेरी लैब देखो, मेरी चीक्स नेचुरली रेड हो गई हैं क्योंकि आज मैं नहाई थी, इसलिए आज मैं मॉर्निंग नहा के गई थी ऑफिस। सो अभी मेरा पार्सल, जैसे मैंने ऑफिस में बताया था कि आ गया है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहन के देख लिया है एंड मैं फोटो भी आपको दिखा दूंगी, और वीडियो में बनाना ही भूल गई यार, क्योंकि ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मेरे को इतनी भूख लगी थी। मैंने सिर्फ 5 मिनट वो पहना एंड देन उसके बाद फटाफट रोटी खा ली। मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, टाइम खराब नहीं करूंगी, वैसे करूंगी क्योंकि बहुत छोटी वीडियो हो जाती है। चलो दिखाई देती हूँ। सो ये है मेरे शूज़ जो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, उस टाइम अच्छे से नहीं दिखा पाई थी। तो इसका जो ये सोल है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मेरे हाथ देखो यार, कितने गंदे लग रहे। इसका सोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा स्टडी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बट जो इसकी एक दिक्कत है ना, एक दिक्कत है, वैसे मेरा साइज़ जो है ना वो 38 है और इसकी एक दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी बट हैवी है। ओके एंड दूसरी बात है कि इसको रिमूव करना इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि मेरे दोनों हाथ दुखने लग जाते हैं क्योंकि इसके साइड में कोई भी जिप नहीं है इसलिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा, मतलब देखना, मैंने अभी तक ये भी नहीं उतारा, बट कोई बात नहीं, अब मैंने ले लिया है और रिटर्न भी नहीं हो सकते। ये चीज़ मैंने देखी ही नहीं, पता नहीं क्यों, क्या क्यों नहीं देखी मैंने। बाय द वे वैसे बहुत अच्छी है ये, आई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट और हाँ यार, इसकी एक चीज़ और बेकार है जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे को ना यहाँ पे लेग से बिल्कुल ऐसे हगिंग वाले पसंद है, बट ये होते हैं ना जो ऊपर से थोड़े लूज होते हैं और नीचे से थोड़े मतलब होते हैं, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, और ये वही वाले हैं। सो क्या कर सकते हैं, अभी ले लिए तो पहनने तो पड़ेंगे। सो ये बड़े अच्छे हैं वैसे, बट दो तीन चीज़ें हैं, तो आप कभी मत लेना ये क्योंकि जिसके साइड पे जिप नहीं होगी ना, वो उतरने बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मेरे पूरे दोनों हाथ दुखने लग जाते हैं जब मैं इसको उतारती हूँ। आज मैंने इसको पहना था, इतनी मुश्किल से उतरे, या तो मेरे को उतारने नहीं आते या पता नहीं क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब हाथ दुखने लग जाते हैं मेरे। सो ये रही मेरी वो दोनों जो मैंने मंगवाई थी। तो ये कुछ ऐसे रैपर में रैप होके आते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। सो चलो खोलते हैं इसको। सो सबसे पहले मैंने एक शर्ट ऑर्डर करवाई थी, एक शर्ट ऑर्डर करवाई है और एक ड्रेस ऑर्डर करवाई थी। शर्ट मेरे को चाहिए थी बट मेरे को लगता है कि मैंने गलत चीज़ मंगा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज है मेरे और मैं पागल लगती हूँ उसको पहन के, और उसको पहन के मैंने कोई फोटो ही नहीं खींची, भूल ही गई खींचनी। सो ये वाइट कलर की है, ठीक है, देख सकते हो आप, पता नहीं यार सही दिख रही होगी या नहीं। और इसके यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स भी हैं, लेकिन सी मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी मैंने क्यों ली है, मेरे को खुद नहीं पता लग रहा क्यों ली मैंने। सो इसमें यहाँ पे पॉकेट्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी, बहुत सॉफ्ट है, बहुत एक्सट्रीम सॉफ्ट है, लाइक मक्खन होता है ना जैसे, वैसे है। तो मैं इसे वापस तो बिल्कुल नहीं करवाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये घर में पड़ी रहेगी ना तो ठीक है। आई थिंक ये ड्रेस है, और इतना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, अब देख सकते हो ये देखो कितनी लंबी है, अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ तक है, यहाँ तक ये नीचे से थोड़ी सी ऊपर है। सो आई थिंक सो ये ड्रेस है, और इसके साइड में स्लीट है, ठीक है, काफी अच्छी खासी स्लीट है। सो इसके साइड में से स्लीट है, ठीक है, एंड क्वालिटी वेरी गुड, मेरे को बड़ी अच्छी लगी है क्वालिटी इसकी। सो सबसे पहले ये, और मैं साइड पे यहाँ पे ना दे दूंगी आपको इसकी फोटो भी कि मैंने इसे क्यों मंगाई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ये ड्रेस, जिससे मुझे मुझे बहुत होप थी
और खरी उतरी है। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई ये ड्रेस, मेरे पे सूट भी कर रही थी थोड़ी सी। बस इसे थोड़ी ना अच्छी बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं अच्छी बनाऊंगी तो पक्का सुंदर लगूंगी, और शायद ही पहनूंगी। ज्यादा मतलब नहीं है मेरा कि हाँ मैं पहनूंगी। तो इसकी भी पिक्चर मैं साइट पे दे दूंगी कि मैंने इसे क्यों ऑर्डर करवाया, और मैंने जो जो पहनी हुई है वो भी दिखा दूंगी, और जिसको देख के मैंने मंगवाई है वो भी दिखा दूंगी। सो ये इस तरह इसकी है। इसका जो मटेरियल है ना, ये वुलन है। सो एकदम से पता नहीं क्या लाइट को हो गया यार, शायद मैं ज्यादा पीछे हो गई, पता नहीं क्या हो गया। अभी मैं थोड़ी सी, चलो छोड़ो। सो ये है वो ड्रेस, फोन आ गया था मेरे को मासी का। सो ये रहा वो, ये रही वो ड्रेस, ठीक है। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे स्लीट है साइड में, ठीक है, दोनों तरफ। तो इसे बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो इसका मटेरियल पता वो ना, थोड़ा सा वॉर्मी या खद्दर, मतलब पता नहीं अजीब सा है इसका मटेरियल। रुको मैं अभी बताती हूँ इसका किसका है, कौन सा मटेरियल है। हाँ, 33% है रिसाइकल पोलेस्टर, एंड 19% है रिसाइकल कॉटन। आई रेडी डोंट नो कि इसका यही मतलब है, शायद इसके, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ, आपको फोटो तो दिख ही जाएगी, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये इतनी लंबी है। सो ये भी अगेन मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और अभी मैंने इसकी साथ की, मतलब इसको थोड़ा जचाना पड़ेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जचाऊंगी तो फिर अच्छी लगेगी ज्यादा। सो मैं आपको फोटो दिखा दूंगी, जरूर दिखाऊंगी। सो आज मम्मा ने ना क्या बनाया मम्मा ने, हाँ साग और मक्की की रोटी बनाई थी, इतनी स्वाद। और मम्मा ने सूप भी बनाया था, मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि ना इतना ज्यादा, लाइक मुझे खुद नहीं पता क्या करती हूँ पूरा दिन। पहले मैं जॉब पे जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर आके, घर आते ही थोड़ा सा काम करती हूँ अपना पर्सनल, उसके बाद फिर खाना खाती हूँ। और आज तो वीडियो बनाने का अभी भी मेरा काम पेंडिंग पड़ा है। सो अभी वीडियो बना के, क्योंकि मेरे को ये था कल मैंने वीडियो डालनी है, इस करके मैं फटाफट बना लूँ, तो मैंने बनाया। और व्लॉग तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि आज सर आए हुए थे ऑफिस में, और मेरे से बिल्कुल भी, वैसे भी मैं ऑफिस में व्लॉग नहीं करती, क्योंकि जब ऑफिस है तो सिर्फ ऑफिस का काम करो, मैं पता नहीं ज़्यादा हिलती क्यों। सो और आज मैं नहाई थी, तभी मैं थोड़ी सी सुंदर लग रही हूँ, एंड हेयर वॉश भी किए थे। सो ये रही सारी मेरी हॉल जो भी है, पता नहीं क्या क्यों बनाई मैं। सो अभी अभी कुछ भी मेरा डिसाइड नहीं है कि ये मैं पहनूंगी या नहीं, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है। मेड इन चाइना, देखो यार यहाँ इस इन शूज पे मेड इन चाइना क्यों लिखा हुआ है। मैं फोटो दे दूंगी इधर, एक शूज की बात मैं बताना भूल गई। मैंने ये, मेरे को लगा था कि इस पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, तो मैंने सोचा था कि यार आशु थोड़े से महंगे ले ले, पर देर तक चले और मैं इसे रेगुलर पहन सकूं। ना मैं इसे रेगुलर पहन सकती, ना ये लॉन्ग चलने वाले हैं, ठीक है, और इसमें रिंकल्स तो अभी से ही पड़ने वाले पड़ गए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ दो बार पहने हैं, इधर रिंकल पड़ने पड़ने शुरू हो गए हैं। और ये बड़े अच्छे, ये देखो मेरा बाहर भी सह लेते हैं, नाइस। कितनी पागल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मेरी बकवास बंद हो गई है। ओके सो चलो देखियो मैं कैसे फेंक दी मैंने।